गुड आफ्टरनून। आज हम एक मेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, वो है डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। सबसे पहले डाउनफॉल को समझने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मुगल है क्या, मुगल है कौन, ये मुगल ने एम्पायर क्यों बनाया, कब बनाया। पहले एम्पायर बना करीब करीब 200 साल तक लगातार मुगल का एम्पायर बनता रहा। अचानक से कुछ ऐसा हुआ, वही सब हमें जानना है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ। अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मुगलिया सल्तनत का नाश हो गया। खैर कहने को नाश नहीं हुआ, लेकिन वो दिल्ली के इलाके तक सीमित रह गई वह मुगलिया सल्तनत, दैट मुगल एम्पायर, जो ऑल इंडिया पैन इंडिया लेवल का था और सिर्फ दिल्ली तक रह गया। अब उसके कॉजेज जानेंगे। तो मुगल शुरू होते हैं बाबर से। बाबर आया इंडिया में, इंडिया में आते ही पानीपत की लड़ाई की उसने और अपनी खुद की एक डायनेस्टी बनाता है, मुगल डायनेस्टी। बाबर आता है, बाबर के बाद बाबर के सक्सेसर्स आते हैं। बाबर के सक्सेसर्स में एक सक्सेसर बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। अकबर ने एक पैन इंडिया का ख्वाब देखा कि एक अखंड भारत हो, और वो भारत काफी बड़ा था, आज के सेंट्रल एशिया तक जाता था। उसका यह सपना आगे आने वाले मुगल्स ने कैरी फॉरवर्ड किया और वो इसको आगे बढ़ाते गए। जिन जिन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया उसमें से ही एक खास नाम था औरंगजेब। औरंगजेब ने, हालांकि कहा जाना चाहिए कि इंडिया को, पूरे इंडिया को एक पैन इंडिया लेवल पे कवर कर लिया, लेकिन इंडिया को जीतने का मतलब ये नहीं है कि इंडियंस को भी जीत लिया। उसने एम्पायर को जरूर बढ़ाया, लेकिन उसने इंडिया को एक नहीं किया। अकबर और औरंगजेब में यही बहुत बड़ा फर्क था। अकबर अपने टाइम का बहुत बड़ा शासक था, एक रूलर था। एक रूलर की निशानी ही है जब वो अपनी जनता के बीच में फेमस हो, इसीलिए आज हम अकबर को द ग्रेट कहते हैं, लेकिन औरंगजेब को द ग्रेट नहीं कहते। हालांकि अगर आप इंडिया के मैप को देखें तो अकबर इंडिया के मैप को दक्कन से आगे नहीं ले जा पाया, दक्कन तक भी नहीं ले जा पाया, लेकिन औरंगजेब ने ऑलमोस्ट एंटायर डेक्कन जीतने की कोशिश की। लेकिन फिर भी हम उसे ग्रेट नहीं कहते। ग्रेट, एक इंसान ग्रेट तभी है जब वो सबके दिल में जगह बनाए। अकबर ने सबके दिल में जगह बनाई, अशोक ने सबके दिल में जगह बनाई, इसीलिए आज हम उन्हें ग्रेट कहते हैं। लेकिन औरंगजेब ऐसा काम नहीं कर पाया। हालांकि उसके पास भी रिसोर्सेज थे, अकबर से ज़्यादा रिसोर्सेज थे, उसके पास एक लेगेसी थी। अकबर आया था तो उसके पास उतनी बड़ी लेगेसी नहीं थी जितनी बड़ी औरंगजेब के पास थी, लेकिन फिर भी औरंगजेब के मरते ही पूरा मुगल एम्पायर 30 से 40 साल के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ दिल्ली तक समिट गया। जो डेक्कन तक फैला हुआ था वो अब सिर्फ दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में ही राज कर रहा था। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। यहाँ बोर्ड पे आपको कुछ रीजंस दिखेंगे फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर को अगर हम एक साइंटिफिक स्टडी से देखें तो किसी भी चीज़ का डाउनफॉल एक इंस्टेंट में नहीं होता। अगर आप अपने पर्सनल रिलेशन में भी देखो तो एक दिन में कोई रिश्ता नहीं टूटता, इसकी गहराइयाँ बढ़ती जाती हैं। धीरे 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 लोगों के बीच में दरारें आने लग जाती हैं, फिर वो दरारें और बड़ी होने लग जाती है, फिर एक छोटा सा वाकया ही काफ़ी होता है उस पूरे रिश्ते को ख़त्म करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही कुछ मुगल्स के साथ हुआ। औरंगजेब ने अपने बहुत लंबे टाइम पीरियड में, 50 साल से भी लंबे टाइम पीरियड में यही सब किया, इन्हीं दरारों को बढ़ाने का काम किया। अब देखते हैं कैसे किया। औरंगजेब की दो पॉलिसीज़ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, रिलीजियस पॉलिसी। अशोक से लेकर और अकबर तक सब ने एक छोटी सी बात समझ ली थी कि इंडिया इज़ अ रिलीजियस कंट्री। यहाँ लोगों से उनका रिलीजन नहीं छीना जा सकता, यहाँ लोगों से उनका पैसा छीना जा सकता है, उनके रिश्ते छीने जा सकते हैं, लोगों से उनकी ज़मीन छीनी जा सकती है, लेकिन लोगों से उनका धर्म कभी नहीं छीना जा सकता। इसलिए अशोक ने भी और खुद अकबर ने भी, दोनों ने सिर्फ एक ही बात पे फोकस किया कि लोगों को क्या, हिंदुस्तान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जो लोगों के जीन्स में बसी हुई है, वो था हिंदुस्तान का रिलीजन। इसलिए कभी भी उसने ऐसा प्रयास नहीं किया कि वो रिलीजन को लोगों से छीने। इसके लिए अकबर ने सुलह कुल की नीति दी, उसने यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की कि हम सब भाई एक ही हैं, हिंदू मुस्लिम कोई डिफरेंस नहीं है। इस तरह की अगर वो बातें नहीं करता तो बाकी लोग उसके साथ जुड़ते नहीं।
एक मुगल ने एक राजपूत बीवी अपनाई। ऐसे ही सिर्फ अकबर ने नहीं, अकबर के बाद भी यह परंपरा जारी रही। अकबर के बाद भी राजपूतों में शादी होती रही और राजपूत इस देश के ऐसे तबके थे जो सदा मरने को तैयार रहते थे। मुगल्स ने उनको बहुत अच्छे से यूज़ किया, सिर्फ और सिर्फ उनको उनकी इज्जत दी उनके रिलीजन के तौर पर। कभी भी उनसे उनका रिलीजन नहीं छीना, बल्कि उनको कहा, उनके रिलीजन को और रिफाइनमेंट में काम किया। इसलिए अकबर जो है वो सक्सेसफुल रहा। लेकिन औरंगज़ेब को चाहे हम कितना भी बड़ा उसका साम्राज्य माने, लेकिन उसको एक सक्सेसफुल रूलर नहीं मानेंगे, क्योंकि उसकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो ठीक नहीं थी। देखते हैं उसकी रिलीजियस पॉलिसी में ऐसा क्या था जो ठीक नहीं था। इस्लाम में एक कंसेप्ट होता है गाजी का। गाजी एक तरह से मिशनरी होता है। गाजी वह आदमी है जो अपने धर्म को आगे बढ़ाए। तो गाजी यहां धर्म को आगे बढ़ाने के अलग अलग रास्ते अपनाए। किसी ने प्रेम से बढ़ाया तो किसी ने तलवार से। औरंगजेब ने वह तलवार की ही नीति अपनाई। अब ऐसा औरंगजेब ने आखिर किया क्यों? अब यहां थोड़ा सा हमें औरंगजेब के दिमाग को समझने की जरूरत है। एक बच्चे का जो दिमाग होता है वो उसके शुरुआती 10 से लेकर 15 साल में ही पूरी तरह से विकसित हो जाता है। जैसी भी उसको विचारधारा से आगे चलना है वह उसकी पहले ही बन जाती है। इसी बीच में हम दो शब्द को समझते हैं कि एक जो टीचर होता है या गुरु होता है, ये दो टाइप के होते हैं दुनिया में, एक सेंटली क्लास और एक प्रीस्टली क्लास। सेंटली क्लास के जो टीचर्स हैं वो इस तरह से होते हैं जो आपकी खूबियों को बढ़ाते हैं, आपके अंदर आपके गुणों को निखारते हैं। लेकिन ये प्रीस्टली क्लास के अंदर जो आते हैं, प्रीस्टली क्लास अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ एक शिष्य की तरह यूज करते हैं। इसी में ही फर्क था दो खास लोगों में, एक था दारा शिको और एक था औरंगजेब। औरंगजेब का ही भाई था दारा शिको। दारा शिको के जो गुरु थे वो पीर थे। उनका इस्लाम आगे बढ़ाने का तरीका बहुत प्रेम से बढ़ाना था। लेकिन औरंगजेब के जो गुरु थे, औरंगजेब के गुरु एक रिलीजियस आदमी थे, रिलीजियस इन द सेंस के जो दरबार में होते थे और इक्लेक्टिकल डिपार्टमेंट संभालते थे। इक्लेक्टिकल डिपार्टमेंट मतलब धर्म का डिपार्टमेंट। तो इनको जो भी शरिया कहती है या जो भी इस्लामी कानून कहता है या इस्लाम धर्म की उस समय की जो मान्यता थी, उन्हें आगे बढ़ाने का उन्होंने अपने ऊपर जिम्मा लिया था। उसी विचारधारा के साथ इनको आगे बढ़ाया गया औरंगजेब को। औरंगजेब ने यह समझा कि दुनिया के लिए धर्म सिर्फ एक ही धर्म है, वह है इस्लाम। आज भी हम देखेंगे तो बहुत सारे लोग इसी विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप आईसीएस को भी देखें, वो भी यही कहता है कि जब तक दुनिया में इस्लाम नहीं आएगा तब तक दुनिया में सुख नहीं आएगा। तो वो यही समझते हैं कि इस्लाम ही एक रास्ता है बस सुख का। तो इस तरह की ही सोच के लोग थे जिनको गाजी बनना था या जिनको इस्लाम को आगे बढ़ाना था। लेकिन ऐसी कोई भी इच्छा दारा शिको ने नहीं रखी। दारा शिको के गुरु ने उसको बहुत अच्छी टीचिंग्स दी। दारा शिको के गुरु ने उसको समझाया हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि पे, इस हिंदुस्तान बैकग्राउंड के ऊपर राज करना है तो आखिर कैसे किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ सभी धर्मों को एक साथ लेके, सर्वधर्म संभाव चला लेके। सर्वधर्म संभाव जब तक नहीं होगा, सब धर्मों की आप इज्जत नहीं करेंगे, तब तक आप यहाँ राज नहीं कर सकते। लेकिन औरंगजेब का ऐसा बिल्कुल नहीं मानता था, इसलिए औरंगजेब ने उस समय के मंदिरों को तोड़वाना शुरू कर दिया और लोगों को जबरन इस्लाम कबूल करवाना शुरू किया। तो इस नीति की वजह से सबसे पहले जो उनसे दुखी होने लगे वो थे स्वयं राजपूत। जो राजपूत अकबर के समय से लेकर और औरंगजेब के समय तक मुगलों के बहुत ज़्यादा लॉयल हुआ करते थे, अब उनके अंदर धीरे धीरे टूटने की प्रवृत्ति आने लगी। दे स्टार्टेड सेपरेटिंग। ये रिलीजियस पॉलिसी अब हमने देख ली है राजपूत तक की। सिर्फ राजपूत ही राजपूत परेशान नहीं थे, परेशान थे मराठा और सबसे ज्यादा परेशान थे सिख। तो औरंगजेब ने लाइन बाय लाइन एक एक को परेशान किया, सिख को, जाट को, बुंदेलों को, राजपूत को और मराठाओं को। अब अगर कभी कॉलेज में आप लोग जब रहे थे तो आप लोगों ने एक बात गौर की हुई, अगर पीटना है तो बस एक को पीटो, एक एक करके सबको मत पीटो, वरना वो सब एक होके वापस तुम्हें पीटेंगे। बिल्कुल ऐसा ही खेल यहाँ होगा। अब ये सब एक 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 करके धीरे धीरे औरंगजेब के मरते ही सब मुगल सल्तनत को पीटना शुरू कर देंगे। पीटना शुरू करने का मतलब है कि अब वो उसे तोड़ने लग जाएंगे। जिसको जहाँ जितनी जगह मिलेगी मुगल एम्पायर में से तोड़ लेंगे। सो दे ऑल थ्राइव्ड एट द एक्सपेंस ऑफ मुगल एम्पायर। जितना जितना मुगल एम्पायर टूटता जाएगा उतना उतना ये बढ़ते जाएंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा हम बढ़ते हुए देखेंगे
मराठास को। इसके बाद अब औरंगजेब की दूसरी पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरी पॉलिसी थी द डेक्कन पॉलिसी। डेक्कन जो है जनरली साउथ वाले इलाके को, साउथ ऑफ विंध्यास, इस इलाके को डेक्कन कहा जाता है। औरंगजेब को क्योंकि पूरे इंडिया पे फतेह करनी थी, ही वॉन्टेड टू विन ऑल ओवर द इंडिया, तो वो जो पहले छूटा हुआ टास्क था जो था डेक्कन पे कंकर करना। डेक्कन का टेरेन जो है वो डेक्कनीज के लिए ही ज़्यादा है, जो डेक्कन के लोग हैं उन लोगों के लिए वो फेवरेबल है, लेकिन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स वाले इलाकों के लिए नहीं। ये पठार वाला इलाका है, यहाँ पे गुरिल्ला वॉरफेयर होता है, लोग जंगलों में छुप छुप के मारते हैं। यहाँ आउटराइट प्लेन्स मैदान नहीं है जो आमने सामने सेनाएं आ जाएं और मार ले। इसलिए औरंगजेब यहाँ 27 सालों तक, माइंड इट 27 ईयर्स तक ही कंटिन्यूड वॉर। और अब जब 27 सालों तक लगातार वॉर चलेगी तो आप सोचिए खुद कि उसके इकोनॉमी का क्या हाल होगा। औरंगजेब ने सारी की सारी इकोनॉमी सिर्फ इस डेक्कन को जीतने में लगा दी। इस डेक्कन पे विजय पाने के लिए उसने 27 साल तक लोगों का शोषण किया, उस शोषण से जितना पैसा आया सब युद्ध में लगा दिया। तो इस तरह से क्योंकि उसकी इकोनॉमिक वीकनेस आती गई एम्पायर की, तो आगे एम्पायर स्टेबल नहीं रहा। और देखते हैं अब जब उसको 27 साल तक लड़ना है तो अब उसको रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू चाहिए तो हर इलाके से, उन उन जगह से जहां जहां से रेवेन्यू मिल सकता है वो लेगा, और सबसे मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वो लैंड था। तो देखेंगे इनमें खासकर जो लोग थे सिख, जाट। जाट हमारे यहाँ के भरतपुर और आसपास के लोग जो किसान हैं वो जाट हैं। सिख में जो हमने वर्ड सुना है जट, जट पंजाब के किसान हैं। मराठास में मोस्टली मराठा लैंड यानी महाराष्ट्र के किसान हैं। तो ये सब किसान इसीलिए अब परेशान होते जाएंगे और एकजुट होकर अपना खुद का एम्पायर बनाने लग जाएंगे ताकि इन मुगल से जीत सके, ताकि इन मुगल्स को बाहर फेंक सकें। इससे पहले मुगल सबको साथ लेके चला करते थे, लेकिन अब जैसे ही इन लोगों को विश्वास हुआ कि मुगल्स पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कभी भी अपनी पॉलिसी पलट सकते हैं, जैसे कि औरंगजेब ने अपनी रिलीजियस पॉलिसी में करके दिखाया। अब एक बार किसी के रिलीजन के साथ धोखा हो जाए तो काठ की लकड़ी बार बार नहीं चढ़ती, तो एक बार चढ़ गई बस उसके बाद लोगों का भरोसा उतर गया और लोगों ने अब मुगलिया सल्तनत को नीचे गिराने की ठान ली। इसके बाद जो अलग फैक्टर्स हैं वो एक नोबल्स है, एक उसके वीक सक्सेसर्स हैं और कुछ फॉरेन इन्वेजन्स हैं। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।